ये सीरीज का नाम है पॉजिटिव साइड ऑफ नेगेटिव्स, जहाँ पे मैं उन इमोशंस या बिहेवियर के पॉजिटिव साइड के बारे में बात करूंगा जिन्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में खराब माना जाता है। ओके, तो जैसा हम जानते हैं कि गुस्सा उनमें से एक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा दिमाग गर्म रखो, पर एक तरह से गुस्सा अच्छी चीज कैसे हो सकती है, इस पे वीडियो होगी। नंबर वन, गुस्सा मोटिवेट करने को हेल्प कर सकता है। जब आप कुछ काम कर रहे होते हो तब होता यह है कि बहुत बार चीजें आपके हिसाब से नहीं जाती और आप कई बार डिमोटिवेट होते हो। इस बीच में होता यह है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें आपके फेलियर से खुशी मिलता है, जो अच्छी बात नहीं है, पर अब वो मजे लेने के लिए आपको बहुत बार कुछ बोलते होंगे और फिर आपको उस पर गुस्सा भी आ जाए। अब आप इस मामले में उसे नेगेटिवली लेते हो या फिर अपना काम सुधारने लगते हो, चाहे वो उसे गलत साबित करने के लिए हो या फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए। जब सामने वाले के डिमोटिवेशन से अंदर से लगे कि कोई एक्शन लेना चाहिए, तब वो चीजों को और सीरियसली लेके वो अपना काम करने के लिए आगे बढ़ने का सोचता है। अब वो उस मोटिवेशन को खुद को डिसिप्लिन करने में हेल्प करता है या फिर वो कुछ देर के बाद भूल जाता है। नंबर टू, गुस्सा तुम्हें बेहतर बना सकता है। अब ये पिछले कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट स्टेज है। जब सामने वाला कोई एक्शन लेने का बहुत गहराई से सोचता है गुस्से की वजह से, तो वो उस पर एक्चुअली काम करने भी लगता है। अगेन, मैंने ये और पिछले पॉइंट्स में सकता है मेंशन किया है, क्योंकि आप अपने गुस्से को सही तरीके से यूज करोगे तभी यह मुमकिन है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, जब गुस्से से मिले हुए मोटिवेशन को अपने लाइफ में चीजें बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है, तब चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों को गलत प्रूव करने के लिए हो, इस तरीके से वो लिए हुए एक्शन से स्किल्स, कैरेक्टर या मेंटेलिटी डेवलप कर लेता है और बेटर बना लेता है खुद को। तो जो उससे नीचे गिराने की कोशिश करे वो उसका अनजाने में फायदा करके जाते हैं। नंबर तीन, गुस्सा तुम्हें फाइट बैक करने में हेल्प कर सकता है। अभी आपको पता ही होगा कि कई सालों में जितने भी क्रांति हुए हैं, जितना मुझे पता है उसमें से एक चीज कॉमन है, उन्हें उनपे हुए खराब चीजों पे गुस्सा आया हुआ होता है। अगेन, वो उस गुस्से को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाके उसे अपने और अपने लोगों पे गलत होती हुई चीजों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है उनकी तरफ से। इधर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों साथ में अप्लाई हुए हैं, जहां उन्हें मोटिवेशन मिला होता है कि गलत ना होने पे झुके नहीं और उस चीज पे एक्शन ले, चाहे कितना भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो उनको। तो वीडियो का कंक्लूजन, एक, गुस्सा तभी अच्छा है जब उसे एक सही तरीके से यूज किया हो। दो, पिछले पॉइंट का ये भी मतलब नहीं है कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाल के हमेशा दिमाग गर्म रखते फिरो। और लास्ट में, गुस्सा तभी अच्छी चीज़ है जब आपके तरफ से सही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।